हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता श्रीवास्तव अर्जुन किचन व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज बनाने जा रही हूँ अंडा करी, बिल्कुल होटल स्टाइल। आइए इन्हें कैसे बनाना मैं बताती हूँ। हमने 5 अंडे को बॉईल कर लिया है। अब इसमें हम ये चम्मच की हेल्प से इसको हम होल कर दे रहे हैं ताकि अंडे जो हमारे ये फटे ना। कभी कभी क्या था फ्रेंड्स कि इसको बिना हम काटे हुए अंडे को फ्राई कर देते हैं और अंडा जो है तेल छिटकता है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको केयरफुली होके हमें इस चीज़ को करना ज़रूरी रहता है। अब इसको फोक केयर से हम छेद कर दे रहे हैं और इसके साथ साथ इसमें जो भी ग्रेवी है अच्छे से अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। अब अंडे में हम डाल दे रहे हैं लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा 2 टी पिंच हम डाल दे रहे हैं हल्दी और इसमें हम डाल ले रहे थे 2 पिंच नमक। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अंडे को चारों तरफ से। और हमने कढ़ाई में रख दिए तेल इसको फ्राई करने के लिए अंडे को। तेल हमारे अच्छे से गर्म हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं अंडे को, इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको चारों तरफ से चलाते हुए हम इसे फ्राई कर लेंगे। अंडे को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब अंडे को हम निकाल लेते हैं इस बाउल में और सेम कढ़ाई में ही हम इसकी बनाएंगे मसाले को। अब इसमें कटे हुए प्याज है जिसको हम डालेंगे। इसमें हम 3 बड़े साइज के प्याज को बारीक काट कर लिए हैं। अब इसको हम डाल देंगे। अब इसको अच्छा ब्राउन होने तक हम भून लेते हैं। प्याज को हमने भून लिया है, लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हम डाल लेते हैं लहसुन। इसमें 10 से 15 हमने लहसुन की कलियां जिसको छील के इसमें डाल दिए हैं और इसमें भुनना है। अगर आप इसमें हम डालेंगे इसमें अदरक का पेस्ट यूज करें फ्रेंड्स। अगर आप खड़े अदरक का यूज कर रहे हैं तो इसी समय आप अदरक को भी डाल के प्याज और लहसुन के साथ फ्राई कर लीजिए। इसको 1-2 मिनट तक भूनेंगे। 2 मिनट के लिए लहसुन को भी पीस लिए, फ्राई कर लिया। अब इसमें हम डाल लेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर को हमने लंबे लंबे कट कर लिए, इनको इसमें मिक्स करेंगे। और इनको हम थोड़ा सा नमक डाल के जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इसको हम भून लेते हैं। इसको लीड से हम ढक देते हैं। 2 मिनट फ्रेंड्स हो गए हैं और इसे हम देख लेते हैं, टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसको गैस को बंद कर दे रही हूँ और इसको ठंडा करके हम इसका प्यूरी तैयार कर ले रही हूँ प्याज की। सेम कढ़ाई में हमने 3 चम्मच तेल डाला है मस्टर्ड ऑयल। अब इसमें हम डालते हैं तड़का। इसमें हमने ले लिया है 1 चम्मच जीरा, 2 तेज़पत्ता, ये ले लिए दालचीनी 2 पिंच और 1 ले लिए खड़ी इलायची। इसको हम डाल देते हैं तड़के में। तड़का हमारा अच्छे से चटक जाए। अब गैस को कर दूंगी हम बंद और थोड़ा तेल हमारा ठंडा हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तेल थोड़ा ठंडा हो गया, इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। और इसमें हम डाल लेते हैं 1/2 चम्मच छोटी चम्मच से हल्दी। अब इनको अच्छे से हम भून लेते हैं क्योंकि इसे अगर हम चलते हुए गैस पर बनाते हैं तो ये जल जाते हैं, उनका कलर भी सही नहीं आता है। अब इसमें हम पीसे हुए जो प्याज हैं इनको डाल देते हैं और इनको मिक्स कर लेते हैं। इससे कलर फ्रेंड्स बहुत अच्छा आता है और हमारे टेस्टी अंडा करी बनती है। सारे मसालों को हम निकाल लेंगे इसमें। अब इसी में हम डाल देते हैं 2 चम्मच दही को ऐड कर देते हैं
और जब अच्छे से मिक्स कर लेंगे तब गैस को ऑन करेंगे ताकि हमारे जो मसाले वो फटे ना। कभी कभी क्या होता है कि बनाते हुए मसाले इसके फट जाते हैं, इसीलिए हम गैस को ऑफ करके ही इसमें दही को मिक्स कर रहे हैं ताकि इसमें मसाले फटने के चांस ना रहें। और इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी हमारी अंडा करी तैयार होगी बनके फ्रेंड्स। अब गैस को ऑन कर लेते हैं। मसालों को फ्रेंड्स हम भूनेंगे तो सेम जार में हम जिसमें हम मसालों को पीसे थे उसी जार में हम पानी डाल देते हैं, एक कप लगभग। अब इसको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको लीड से हम कवर कर दे रहे हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गए फ्रेंड्स। अब देखते हैं हमारे मसाले जो है अच्छे से पक रहे हैं और कलर भी देखिए कितना अच्छा इसका आ रहा है। तभी यहाँ कुछ मसाले मैं और ऐड करती हूँ। हमने इसमें डाला था अदरक का पेस्ट, डालूँगी 1 छोटा चम्मच इसमें ऐड करेंगे। और यहीं पर हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर, दो छोटा चम्मच। और 1 छोटा चम्मच हम यहाँ ऐड करेंगे जीरा पाउडर। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें डालेंगे नमक। इनको अच्छे से मिक्स कर ले। सारे मसाले हमारे इसके साथ साथ भूनते रहें। एक छोटा चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यही हम डाल दे रहे हैं 2 हरी मिर्च जो इसका टेस्ट को और भी बढ़ाएगी। और इसको लीड से हम ढक देते हैं। फ्रेंड्स 8 मिनट हो गए। अब देख लेते हैं अपने मसाले को। तो मसाले के जो है कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है और मसाले जो है तेल को छोड़ दिए हैं, तेल सेपरेट हो गए हैं और हमारे मसाले अच्छे से पक गए हैं। अब इस स्टेज पे हमें जितना ग्रेवी लगाना है उतना हम इसमें पानी को ऐड कर देते हैं। इसमें हम लगभग 2 कप पानी ऐड कर देते हैं और इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। और इसको चलाते हुए हम पका लेते हैं। आपको अगर फ्रेंड्स राइस के साथ खाना है तो ग्रेवी आप अपने अनुसार लगा लीजिए। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर ले रहे हैं। अब इसमें एक बॉयल आने तक हम इसको पका लेते हैं। फ्रेंड्स इसमें बॉयल आ गए हैं। अब इसमें सारे अंडों को जो फ्राई किए थे हम उसको ऐड कर दे रहे हैं इसमें। इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे से हम इसे पका लेते हैं ग्रेवी में। और इसमें कुछ डाल लेते हैं फ्रेश धनिया। ये हमारे बहुत ही टेस्टी और अंडा करी फ्रेंड्स बन के तैयार हो रहे हैं। अब इसको हम लीड से ढक देते हैं। 5 मिनट हो गए। देख लेते हैं हमारे अंडा करी कैसे बने हैं। बिल्कुल परफेक्ट। इसकी ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स बनी है। अब इसको मैं आपको सर्व करती हूँ। अगर ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो ये और भी इसकी करी जो है ठीक हो जाएगी। कलर देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा आया है। जितना अच्छा देखने में लग रहा है उतना टेस्टी ये फ्रेंड्स बना है। फ्रेंड्स इसको मैं सर्व कर रही हूँ। ये देखिए इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है। इसमें हम थोड़ा सा ऊपर से ग्रेवी डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया से गार्निश कर लेंगे। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये अंडा करी की रेसिपी पसंद आई हो। फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे
जो भी रेसिपी है इसे आप लाइक कीजिए, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि अंडा करी की रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।